अस्सलाम वालेकुम हाजिर वालेकुम अस्सलाम। भाई। मैं सबसे पहले तहरीक बकाए उर्दू के तमाम जिम्मेदारान, ख़ास तौर से इरफान आरिफ साहब और सेना साहबा, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आज के इस मौके पर तमाम से गुफ्तगू करने का, रूबरू होने का मौका मिला है। लिहाजा आप तमाम का शुक्रिया। और जो सामाइन वो नाजरीन मुझसे मेरी गुफ्तगू के लिए जुड़ेंगे या मुझे देखेंगे या सुनेंगे, मैं उनका भी पेश शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक अहमद साहब। जी अपने हम शुक्रिया। नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि आज शाम हमारे साथ, हमारे इस डिस्कशन में, हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मोहतरम डॉक्टर अशफाक अहमद साहब, नागपुर महाराष्ट्र से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी और हम आज उनका तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी फेसबुक पेज पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया, नवाजिश। डॉक्टर अशफाक अहमद साहब का तारुफ यूं है कि उन्होंने बिलखुसूस बच्चों के अदब पर बहुत सा काम किया है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ तख्लीक है उनकी जो बच्चों के लिए है, और उनके इस काम के लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी ने उन्हें नवाजा है अवार्ड से। जी इसके अलावा तमाम किताबें उनकी हैं जो उन्होंने बच्चों को नज़र में रखकर लिखी हैं। और जैसा कि कल हमने बातचीत की थी, बच्चों की ही अदब अदब की दुनिया को लेकर, बच्चों की किताबों को लेकर, उस बातचीत की ही दूसरी कड़ी आप इसको समझें। जी तहरीक बकाए उर्दू की ओर से आपका इस्तकबाल हम करते हैं। प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब, सदर तहरीक बकाए उर्दू, आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। जी शुक्रिया नवाजिश। जी, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी डॉक्टर अशफाक अहमद साहब, कि जी फरमाइए। आप से बहुत कुछ पूछना है अभी बच्चों के अदब को लेके, उसका जो मौजूदा मंजर है उसको लेके। लेकिन जी जी सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं आपके अपने बचपन की बात, कुछ यादें, आपकी शुरुआती ज़िंदगी, आपकी तालीम, आपकी तरबियत, आपका फैमिली बैकग्राउंड, उसके बारे में हमें मुख्तसर भी बताएं। दरअसल मेरी पैदाइश का जिक्र और मेरे जो ख़ानदानी हालात है और मेरी जो तालीम है, जिस तरह की आपने मुझसे दरियाफ़्त किया है कबल सीखिए इसके कि मैं इस सिलसिले में गुफ्तगू करूं, मैं चाहता हूं कि जिस इलाके में मैं पैदा हूं उस इलाके की थोड़ी सी कैफियत जो है वो मैं बयान कर दूं। मैं रियासत महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में रहता हूँ। रियासत महाराष्ट्र जो है वो चार डिवीज़न पर मुश्तमिल है, नागपुर, पूना, औरंगाबाद और मुंबई। और इसके जो ये जो चार डिवीज़न है, ये नागपुर डिवीज़न जो है वो उसमें विदर्भ आता है, और विदर्भ भी दो इलाक़ों पर मुश्तमिल है। एक वो इलाका जो दक्कन से लिया गया है, और उसमें जो चार ज़िले हैं, अकोला, अमरावती, यवतमाल और बुलढाणा, ये चार ज़िले दक्कन से जो है तो लिए गए। इसी तरह से गोंडवाना एक इलाका है, वहाँ से जो है गोंडवाना एक इलाका था, वहाँ से जो है चंद ज़िले लिए गए। और 1 मई 1960 को रियासत महाराष्ट्र की तश्कील अमल में आई, और इस तरह से जो है तो इलाके गोंडवाना से लिए गए अजला और दक्कन से लिए गए ये जो इलाका है बरार का, ये मिलाकर जो है एक विदर्भ जो है बनता है। और इस विदर्भ में जो है बुलढाणा ज़िला के गांव में जो रायपुर कहलाता है, उस रायपुर गांव में मैंने आंखें खोली 1 जुलाई 1961 को। ये वो गांव था जो कभी सौदागरों का गांव कहलाता था। यहाँ पर हर शख्स के पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी। मैं ज़रा बड़ा हुआ तो मुझे ये एहसास हुआ और मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पर जो है मेरे वालिद जो है दर्जी का काम करते हैं, दर्जी हैं, और सौदागरों के कपड़े सीते हैं। और ये लोग जो है जिनके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, जब ये फसल पकती है और जब फसल काटी जाती है तो साल के आखिर में
ये कुछ अनाज वगैरह जो है वाली साहब को दे देते हैं, जिसमें से कुछ अनाज जो है तो वो रख छोड़ते हैं और कुछ अनाज को बेचकर जो है इस तरह से साल भर का गुजरे औकात करते हैं। लेकिन मेरे घर में मैंने महसूस किया कि गरीबी जो है एक अरसे से पांव पसारे बैठी हुई है और गरीबी और तंदरुस्ती के आलम में जो है वाली साहब दिन रात जो है तो ये मशीन पर अपना खून पसीना बहाते हैं और सौदागरों के कपड़े सीते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वाली साहब की तबीयत शदीद ख़राब हो गई और वाली साहब को एडमिट करना पड़ा बुल्ढाना हॉस्पिटल में। एक महीने तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। डॉक्टरों का ऐसा कहना था कि ये दिन रात कपड़े सीते सीते इनकी जो नसें हैं पैरों की वो नाकारा सी हो गई है और बेजान सी हो गई है। लिहाजा एक महीने के बाद में उन्होंने इत्मीनान दिलाया और कहा कि अब आपके वालिद चल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अब ये बैठक का काम ना करे बल्कि ये चलत फिरत का काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। लिहाजा उस ज़माने में हमारे फूफा जो है नागपुर में सब इंस्पेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे और उस ज़माने में नागपुर में एक सूत मिल जो है कपास से सूत बनाई जाती है, धागा बनाया जाता है, एक फैक्ट्री जो है तो वो तैयार हुई थी और वहाँ पर पहरेदारों की ज़रूरत थी, वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर की ज़रूरत थी। लिहाजा हमारे फूफा जान को वहाँ एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर जो है मुकर्रर कर लिया गया। तकरूर उनका हुआ तो हमारे फूफा जान ने जो है हमारे वालिद साहब को वहाँ पर नागपुर शहर में बुला लिए। इस तरह से हम 1968 में रायपुर गांव छोड़कर रायपुर को तर्क करके या रायपुर अपने वतन को तर्क वतन करके हम नागपुर मुंतकिल हो गए और ये 9 अफराद का ख़ानदान जिसमें 4 मेरे भाई बहन और 2 वालिद वालिदा और 1 दादी, इस तरह से ये 9 लोगों का ख़ानदान जो है ये नागपुर में 1968 में मुंतकिल हुआ। यहाँ पर आने के बाद में यहीं से जो है मेरे तालीम का सिलसिला शुरू होता है। पहली जमात में मेरे वालिद ने कॉरपोरेशन स्कूल में मेरा दाखिला करा दिया। मैं शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा मेहनतकश और तालीम से बहुत मुझे दिलचस्पी थी, लिहाजा मैं बहुत मेहनत करता था। उस ज़माने में पहली दूसरी तीसरी जमातों के तो नतायज का सिर्फ ऐलान कर दिया जाता था लेकिन कोई ऐसा तहरीरी सबूत नहीं देते थे और ना ही ऐसा कहा जाता था या उसका ऐलान बस हो जाता था। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहली दूसरी तीसरी में जब ऐलान होता था तो ये ऐलान भी होता था कि अशफाक जो है तो अव्वल नंबर पर आए हैं। तो ये पहली दूसरी तीसरी में मैं अव्वल नंबर पर रहा। चौथी क्लास में जब कॉरपोरेशन का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ तो नागपुर में उस ज़माने में जितनी कॉरपोरेशन की स्कूलें थी और चौथी जमात की जितने तलबा उसमें कॉरपोरेशन की स्कूलों में शरीक हुए थे उन तमाम बच्चों में मैं अव्वल नंबर रहा, यानी 85% मुझे मार्क्स मिले चौथी जमात में। उसके बाद में पाँचवीं में मेरा दाखिला जो है वो दूसरी स्कूल में यानी कॉरपोरेशन की स्कूल हाई स्कूल में कर दिया गया और वहाँ पर जो है तो फिर मेरा तालीमी सिलसिला आगे बढ़ा। वहाँ भी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं जमात तक मैं अव्वल नंबर ही रहा अपनी जमातों में, बल्कि 10वीं में तो ये कही कि अगर 1% अगर मुझे जायद मिल जाता तो मैं मेरिट स्टूडेंट कहलाता और मेरी अखबार में फ़ोटो भी छपती। लेकिन बहरकैफ मैं 10वीं जमात में अव्वल रहा। यहाँ नागपुर में मुंतकिल होने के बाद यहाँ पर भी वही आलम रहा, एक पहरेदारी को तनख्वाह क्या मिलती है, 9 लोगों का ख़ानदान था, किराए का मकान था, लिहाजा यहाँ पर भी जो है तंगदस्ती बिल्कुल घेरे रही, मुफलिसी जो है तो वो घर में रही। लिहाजा ऐसे मौके पर जो है एक दिन ऐसा हुआ जब मैं 6ठी क्लास में था और जब स्कूल से घर वापस आया तो मैंने अपने वालिदैन को जो है बहुत ज़्यादा उदास पाया। मैंने अपने अम्मी से पूछा कि बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि सूत मिल जो है वो माली बोरान का शिकार हो गई है और कुछ पहरेदारों को जो है बर्तरफ कर दिया गया है, लिहाजा तुम्हारे वालिद को भी जो है तो सर्विस से हटा दिया गया है। हालात बहुत ख़राब हो गए थे, अजनबी शहर था लिहाजा बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। मेरे वालिद ने मुझे बुलाकर कहा कि बेटा अब मैं तुमको जो है तालीम आगे नहीं दिला पाऊँगा। उन्होंने बहुत मुश्किल से ये अल्फाज कहे और उठकर चले गए। मैं बहुत परेशान हो गया, नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन मैं जब स्कूल पहुंचा तो मैं उदास था। मेरा एक दोस्त गफ्फार जो है वो मेरे करीब आया, उसने महसूस किया और मुझे अलग ले जाकर पूछा कि आखिर बात क्या है, तो मैंने सब तफसील बताई
और मैंने ये भी कहा कि मैंने सुना था कि तुम जो है तो सुबह टोस्ट बटर वगैरह जो है तो बेचते हो लोगों के नाश्ते के लिए, तो ये किस तरह का अमल है, कैसा हो सकता है, क्या मैं ये करके जो है तो तालीम अपनी जारी रख सकता हूँ? तो उसने कहा बिल्कुल तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगा, तुमको गाइड करूँगा और तुम हिम्मत मत हारो, तुमको तालीम हासिल करना है, तुम्हारी दिलचस्पी है, क्लास में तुम सबसे ज़्यादा होशियार हो, तो तुम बेफिक्र रहो, ये काम हो जाएगा, सिर्फ तुम अपने अब्बू से 1 रुपये का सिक्का मांग लो। ये 1972 या 74 की बात, ये 75 की बात थी जब उन्होंने ये कहा कि तुम 1 रुपये का सिक्का मांग लो। मैं अपने अब्बू के पास आया और मैंने कहा कि मुझे 1 रुपये का सिक्का दे दीजिए, ऐसा ऐसा मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और ये अंदेशा जाहिर किया कि बेटे जब तुम बिजनेस से जुड़ जाओगे तो फिर तुम्हारी तवज्जो जो है तालीम से ज़रा सा हट जाएगी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तवज्जो जो है तालीम से हट जाए, एक। और दूसरी चीज़ ये कि सुबह सवेरे जो है तो तुम उठोगे, किसी ने अगर कभी कुछ ज़्यादती की और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा सलूक किया तो वो भी ठीक नहीं है, तुम अकेले रहोगे, लिहाजा ये मुनासिब नहीं है। लेकिन वालिदा ने मेरा साथ दिया, हिम्मत बढ़ाई और जो है तो 1 रुपये का सिक्का मुझे किसी तरह से मिल गया और वो 1 रुपये का सिक्का लेकर मैं दौड़ा अपने दोस्त के पास में, और फिर रोज़ाना का ये मामूल बन गया कि मैं रोज़ाना 1 रुपये के टोस्ट बटर लाता था और वो रोज़ाना सुबह 4-5 बजे जो है उठकर उसको फरोख्त कर देता था। वालिद साहब ने जब 1 रुपये दिया तो उस वक्त मुझसे ये वादा लिया कि ये 1 रुपये का सिक्का मैं वापस ले लूँगा तुमसे उस वक्त, और तुम्हारा बिजनेस बंद कर दूँगा उस वक्त जब तुम अव्वल नंबर से नहीं आओगे। तो तुम्हारा अव्वल नंबर से आना बहुत ज़रूरी है, ये शर्त, इस शर्त पर मैं तुम्हें 1 रुपया दे रहा हूँ, मैंने वादा किया था। और छठी जमात से जब मैंने टोस्ट बटर बेचना शुरू किया और वो जो उस वक्त उस पर जो नफ़ा या मुनाफा जो आता था वो 25 पैसे आता था, कभी एकाध टोस्ट बच भी जाता था तो 20 पैसे तो बहरहाल मेरे रहते थे, वो 20 पैसे में मैंने जो है छठी जमात से लेकर 10वीं जमात तक फिर कभी दस्ते दराज नहीं किया अपने वालिद के सामने कि मुझे 5 रुपये की ज़रूरत है या 2 रुपये की ज़रूरत है। मैंने वो 20 पैसे में जो है पूरी तालीम हासिल की, अपनी किताबें, अपना यूनिफॉर्म, और मौसम गर्मा की जो छुट्टियां लगती थी उसमें आइस रोट वगैरह जो है तो बेचा करता था और यूनिफॉर्म और अपनी किताबें वगैरह ख़रीदा करता था। और इस तरह से मेरा जो है तो तालीमी सफ़र 10वीं जमात तक जारी रहा। 10वीं जमात के बाद में फिर मसला ये आया कि अब क्या किया जाए, वालिद साहब की ख्वाहिश हुई कि तुम डीएड कर लो, टीचर ट्रेनिंग हासिल कर लो, उसके बाद में जो है तो कहीं ना कहीं सर्विस लग जाएगी। घर के हालात वैसे ही थे, मैंने जो है तो टीचर ट्रेनिंग के लिए मैं बालापुर चला गया और बालापुर में जो है मैंने टीचर ट्रेनिंग हासिल की। उस वक्त जो है तो वालिद साहब ने बहुत मदद की, बहुत मेहनत की और मुझे जो है तो किसी तरह से टीचर बनाया। वहाँ से लौटने के बाद में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया अल्लाह के फजल करम से 1981 में मैं डीएड हो गया था, वहाँ पर भी मैंने टॉप किया 10वीं के बाद, डीएड में भी टॉप किया। और वहाँ से जब मैं लौटा तो 81 में मेरा अपॉइंटमेंट केदवाई हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जो मकामी स्कूल है यहाँ पर के नागपुर में, वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हो गया और मैं एज ए टीचर जो है तो मेरा वहाँ तकर्रुर हो गया और बच्चों को मैं पढ़ाने लगा। तालीम की जो ख्वाहिश थी वो बचपन से ही थी, फिर सोच रहा था कि अब मैं किस तरह से तालीम का सिलसिला शुरू करूँ। माली हालात बेहतर हो गए थे, अब तनख्वाह आने लगी थी, लिहाजा मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं जो है तो अब तालीम आगे बढ़ाऊँ। लिहाजा 12वीं क्लास जो है तो मैंने प्राइवेट तौर पर जो है तो एग्ज़ाम दिया, टॉप किया उसमें भी, और उसके बाद में बीए किया, बीए में सेकंड डिवीज़न रहा। उसके बाद में बीएड मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से जो है वो बीएड किया और उसमें जो इंग्लिश मीडियम से बीएड था 80 स्टूडेंट थे यानी 80 टीचर्स थे वहाँ पर एग्ज़ाम में शरीक, उसमें 7 स्टूडेंट्स यानी 7 टीचर्स टॉप आए जिसमें मैं एक था, मेरा भी एक नाम था। उसके बाद जो है तो एमए नागपुर यूनिवर्सिटी से मैंने किया उर्दू में, उसमें मैं फर्स्ट नहीं बल्कि थर्ड मेरिट मेरी पोजीशन रही, थर्ड मेरिट में आया। और उसके बाद में फिर जो है उर्दू में मकतूब निगारी की रवायत, इस मौजू पर जो है डॉक्टर हमीदा रियाज साहिबा की निगरानी में जो है मैंने PhD की और यहाँ पर मैंने जो है अपनी तालीम को जो है फुल स्टॉप दिया, यहाँ पर अपनी तालीम का जो है मैंने उसको ख़त्म किया। इस तरह से मेरा यह तालीमी सिलसिला जो है यहाँ तक पहुँचा। जी बहुत खूब डॉक्टर अशफाक अहमद साहब, आपने चंद लफ्ज़ों में, चंद अल्फाज में इतनी तवील कहानी बयां की है, और ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, हम सब जानते हैं ये हकीकत है।
और सुनने वालों के लिए एक इंस्पिरेशन जी है, ये एक मशाल है जो जल रही है। आपने अपनी तालीम को किताबी तौर पे या कह सकते हैं, या स्कूल कॉलेज की हदों से बाहर, हदों के अंदर भले ही बंद कर दिया हो, लेकिन जी जिंदगी जी से जो सीखने का भी मुसलसल एक सिलसिला जी हाँ होता है वो मुसलसल आपका लगातार जी जारी है और मुसलसल जारी है, और वो हर इंसान का तब तक जारी रहता है जब तक कि वो सीखना चाहे। जिंदगी हर लम्हा बेशक सिखा रही होती है। और मैं आपकी जब ये दास्तान सुन रही थी तो मैं सोच भी रही थी कि कितना मुश्किल होता है वो वक्त जो आपने गुजारा, या ऐसे बच्चे गुजारते हैं जिनको हर दिन अपनी पढ़ाई जारी रख पाने का भी खतरा होता है कि अब पढ़ाई अब कहाँ तक होगी, इसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, कल मना ना कर दिया जाए, पैसे की जी तंगी नहीं हो जाए, बहुत सारी चीज़ें। इसके बीच में वालिद का, आपके वालिद की जो एक शर्त थी, मेरे ख्याल से उस शर्त ने आपकी बड़ी मदद की कि जी अव्वल आना है आपको, चाहे आप कुछ भी मैं मुझे करें वो 1 रुपया आपको अव्वल वापस आना करने की है, कभी नौबत और नहीं उस आई, चीज़ में 1 रुपया वापस करने की जी नौबत नहीं आई मुझे, जी और मैं बहुत जो है तो बड़ी, और उनकी वो शर्त भी पर बराबर जो है उतरता रहा गया। जी, उन्होंने पहले आपको वो नहीं दिया, उनकी फिक्र रही होगी कि ऐसा ना हो कि बिजनेस, जैसा आपने बताया भी कि बिजनेस में जाएंगे तो पढ़ाई छूटेगी, लेकिन जी फिर जी उन्होंने एक शर्त रखी, वो शर्त आपके लिए ही थी, एक दिया था जो उन्होंने जला दिया था, और आपने उसको बहुत बखूबी निभाया। और आपकी कहानी एक हम सबके लिए एक नज़ीर है कि अगर हम दिल से कुछ चाहते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है, वो हासिल होती है। जी जज्बा आपका कितना गहरा है, बात सिर्फ इस बात की होती है। सर, आपसे मैं आगे अब जानना ये चाहती हूँ कि जब आपने लिखना शुरू किया, जब अदब से आप जुड़े, आप एक अदीब के तौर पे आपने अपनी तख्लीक शुरू की, तो जी उसकी जी शुरुआत कैसे हुई? आप किताबों की दुनिया में, अदब की दुनिया में कैसे आप आए और कैसे वो शुरुआत हुई? देखिए सेना साहब, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया और ये बहुत ज़रूरी भी था सामाइन और नाज़रीन को बताना। जैसा कि इससे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि किस कदर हालात थे और किस तरह से कसम पुरसी का मामला था, और मैं जिस इलाके में रहता था वो इलाका गैर मुस्लिमों से घिरा हुआ था। वहाँ पर हमारा क्वार्टर था, तो अखबार तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़े बड़े घरों में अखबार आया करते थे। मैगजीन से मेरा कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, कोई मैगजीन मैं सिवाय निसाबी किताबों के खरीदने की सकत बाकी सकत थी, दूसरे मैगजीन खरीदना तो बहुत दूर की बात थी, और अखबार भी जो है तो वो कहीं कहीं जो है तो वो देखने या पढ़ने को मिल जाया करता था। अब रहा ये कि मैट्रिक तक जो है वो ऐसा ख्याल जो है अभी भी जो है जो उस्ताद मुझे जो हैं हयात वो बोलते हैं कि मैट्रिक तक तो तुमको हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम एक राइटर बनोगे, क्योंकि तुम्हारा जो जहन था जो मिजाज था वो इस तरह का था ही नहीं। लेकिन हुआ ये कि जब मैं डीएड करने के लिए बालापुर गया और मेरे बाजू में जो हॉस्टल में जो जिस शख्स का या जिस लड़के का या जिस साथी का कॉट था उसका ताल्लुक आकोट से था और वो हुसैन अहमद उनका नाम था, उसको बड़ी दिलचस्पी थी वो लिखने के ताल्लुक से, और कुछ अच्छी खुशखत राइटिंग लिखने के ताल्लुक से, कुछ कहानियाँ लिखने के ताल्लुक से वो बहुत जुस्तजू में रहता था। तो उसने एक दिन चंद कहानियाँ लिखी। ये वो ज़माना था 1977-78 का कि जब मिनी कहानी जो है शॉर्ट स्टोरी वो उसकी एक बाढ़ आई हुई थी, हर कोई मिनी कहानी लिख रहा था, 6-7 जुमलों में एक कहानी, 6-7 जुमलों में एक कहानी लिख रहा था, और वो बड़ी पॉपुलर हो रही थी, मैगजीन भी उसको छाप रहे थे, न्यूज़पेपर भी उसको छाप रहे थे। तो उन्होंने मेरे साथी ने जो है 5-6 कहानियाँ लिखी और मुझे बताई, तो मुझे बड़ा रश्क हुआ, हसद तो नहीं लेकिन रश्क ज़रूर हुआ कि एक साथी मेरा जो है जो मेरे बाजू में सोता है वो जब इतनी वो कहानी लिख सकता है और वो भी जो है मैट्रिक पास करके यहाँ पर आया है और बल्कि मेरा परसेंटेज उससे ज़्यादा है, तो मैं भी इसमें मुझे भी पहल करनी चाहिए और मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, वरना अगर मैंने नहीं लिखा तो मैं ऐसा समझूंगा कि ये मेरा परसेंटेज और ये मेरी काबिलियत जो है जो उससे ज़्यादा बढ़कर है वो कोई मानी नहीं रखती, ऐसा एक मेरा उस वक्त का मासूमाना जहन सोच रहा था। लिहाजा मैंने भी जो है तो 5-6 कहानियाँ लिखी, और 5-6 उस वक्त जो है मेरा जो रुझान था वो थोड़ा सा शायरी की तरफ था, यानी शायरी पढ़ना, शायरी को सुनना और कुछ अशार वगैरह शायरों के कोट करना, ये मेरा उस वक्त का रुझान था। लेकिन जब मेरे साथी ने कहानियाँ लिखना शुरू की तो मैंने भी कुछ कहानियाँ लिखकर उसको बताई, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी है, चले हम
जाते हैं शहर में और उसको अखबार के लिए पोस्ट करते हैं। हम गए पोस्ट किए, लेकिन उसमें से ना मेरी ना उसकी कोई भी कहानी पब्लिश नहीं हो सकी। उसकी वजह ये कि बहुत मुमकिन है कि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, गलतियाँ होंगी, लेकिन मैं कहानियाँ लिखते रहा। 10-15 कहानियाँ मैं लिख चुका था। जब मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई तो मैं अपने जब वतन आया तो उसके खतूत आते थे कि आप कहानियाँ लिखना शुरू रखें, आप कहानी अच्छी लिख रहे हैं, आप लिखो। लेकिन मसला मेरे सामने यही था कि वो कहानी पब्लिश नहीं हो रही थी। फिर हुआ ये कि जब वो हुसैन अहमद अपने शहर आकोट चला गया तो उसे कुछ शोरा का साथ मिला और वो एक अच्छा शायर बन गया। और आज वो हुसैन अहमद वासिफ़ के नाम से जो है तो एक अच्छा शायर है, मारूफ शायर है, और मैं जो है कहानीकार बन गया। फिर मेरी जब ये कहानियाँ जो है लिखनी शुरू की मैंने, और एक दो कहानियाँ जो है दो अखबारात में भेजी, तो इत्तेफाक सी है वो कहानियाँ छप गई। तो वो जो कौमी आवाज़ एक निकलता था उसमें 1981 में मेरी पहली कहानी गलतफहमी के उनवान से बहुत एहतमाम के साथ जब छपी तो मुझे बहुत हौसला मिला। और उसके बाद फिर मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा, मैं आगे बढ़ता चला गया। और फिर उस मैंने फिर किसी की रहनुमाई भी जो है मुझे कुछ ज़रूरत महसूस नहीं हुई और मैं जो है तो आगे बढ़ता चला गया। आज मिनी अफसानों पर मेरे 3 मजमूए जो है वो आ चुके हैं। ये धुआं सा कहाँ से उठता है, मीर तकी मीर का शेर है कि देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। इस मिसरे पर मैंने अपने मिनी अफसानों का मजमूआ तैयार किया और वो जो है तो पब्लिश हुआ उसके 1993 में। उसके बाद जो है तो एक जख्म और सही, एक जख्म और सही, ये जो है मजमूआ मंजर आम पर आया। और अभी 2018 में जो है बर्जस्ता के उनवान से जो है ये भी मजमूआ सामने आया। इस तरह से मिनी कहानी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। अब रही बच्चों के अदब की बात कि बच्चों के अदब का सिलसिला जो है ये कब शुरू हुआ, तो जब मैं यहाँ सर पे... मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी और इस सवाल को करके आपका जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों का अदब एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक ऐसा वो पॉइंट है जिस पर हमें बहुत तफसील से आपसे बात करनी है। तो हम इसको आपके अदब के साथ एक दूसरा एक छोटी सी धारा के रूप में हम बात नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपसे बात करने का। मैं आपसे इस बीच आपको बता दूं कि जैसा कि रोज शाम होता है हमारे तमाम नाजरीन आपको देख रहे हैं और अपनी अपना सलाम आप तक भेज रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आप बहुत इंस्पायर हैं, आपकी तारीफ में तमाम अल्फाज यहाँ पे लिख रहे हैं। मैं उनका नाम और उनका सलाम आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, मोहतरमा डॉक्टर अंबर आबिद साहिबा, मोहतरमा डॉक्टर शबनम खातून साहिबा, मोहतरम डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहिब, मोहतरमा आयशा सिद्दीकी, इसके अलावा जनाब तनवीर रजा बरकती बुरहानपुरी, आपके साथ मोहतरम मोहम्मद इकबाल साहब, मोहतरम फयाज खान साहब, मोहतरम हमीदुल्ला खान साहब, मोहतरम जुनैद हुसैन साहब, मोहतरम अश्क चौधरी साहब, इसके अलावा आपको देख और सुन रहे हैं जनाब हसन इमाम सिद्दीकी साहब जी 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 भुवनेश्वर, और ये सारे लोग आपको अपना सलाम भेज रहे हैं और आपकी जो तख्लीक है, आपकी जो राइटिंग है उसकी कसीदे पढ़ रहे हैं। और बेशक लिखा है कि वाकई ये बहुत सोचने की बात है कि जब सिर्फ निसाबी किताबों को खरीदने के अलावा और कोई चारा ना रहा हो, उस वक्त कोई मैगजीन, कोई रिसाला, कोई अलग से कोई अदबी किताब पढ़ने का या अखबार पढ़ने का भी मौका ना रहा हो, वो इंसान एक वक्त के बाद एक अदीब के तौर पे एस्टेब्लिश हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने बच्चों के बारे में लिखने का कैसे सोचा, क्यों सोचा, क्या जरूरत महसूस की कि आप बच्चों के लिए लिखने के लिए, और आपने बहुत कुछ लिखा है बच्चों के लिए, ये शुरुआत कैसे और कहाँ पे हुई? जी मोहतरमा, मैं यही जिक्र कर रहा था कि जब मेरा अपॉइंटमेंट तकरूर किदवाई हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हो गया तो वहाँ पर किसी टीचर की गैरहाजिरी के मौके पर जो है उसके पीरियड लेने के लिए क्लास में जाना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि इस खाली पीरियड में खामोशी से बच्चों को खामोश करके बैठ कर वक्त पास करने की बजाय क्यों ना बच्चों को कुछ कहानियाँ सुनाई जाए। तो जब दूसरे टीचरों के पीरियड में मैं जाया करता था तो दूसरों की जो कहानियाँ जो मैं मैगजीन में पढ़ा करता था वो मैगजीन की कहानियाँ बच्चों को सुनाया करता था।
वक्त मैंने ये महसूस किया कि बच्चे बड़े इनेमाक बड़े तवज्जो से वो कहानियाँ सुनते हैं, न सिर्फ सुनते हैं बल्कि अच्छे और बुरे किरदारों की निशानदेही भी करते हैं, और ये भी उनकी अदालत में जो है ये भी जो है तो फैसला करते हैं वो कि भी किसकी बात बेहतर है और कौन अच्छा किरदार है कौन बुरा किरदार है और हमें क्या करना चाहिए और हमें हमें कैसे किरदार की तामीर करने की ज़रूरत है, हमको कैसे रहना चाहिए। ये कहानियों के तवसुत से जो है बच्चे बहुत कुछ मैंने महसूस किया कि वो सीखते हैं समझते हैं। तो फिर उस मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं कुछ कोशिश करूं इस सिलसिले में और मैं कहानियां लिखूं। मैं अफसाने तो लिखता ही था, लिहाजा मैंने कहानी लिखने का सिलसिला शुरू किया। और पहली कहानी जो है मेरी अप्रैल के माहनामा पयाम तालीम माह अप्रैल 1982 में पहली कहानी जो है मेरी अकलमंद शहजादा जो है वो छपी। तो फिर मुझे उसी तरह का हौसला मिला और हमारे एक उस्ताद मोहतरम डॉक्टर आगा गयासुर रहमान साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी जिक्र मुझसे किया था कि अशफाक मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी, बहुत खुशी हुई और मैं यह तुमसे यही कहना चाहता था कि अफसानवी अदब में लिखने वालों के तो कई नाम आ जाएंगे और कई नाम होंगे और आगे भी आएंगे, लेकिन बच्चों का अदब जो है वो बहुत ज़रूरी है और बच्चों के अदब पर जो है तो तुम काम करो, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखो तो मुझे बड़ी खुशी हासिल होगी और नागपुर में बच्चों के अदब का मैदान जो है बिल्कुल खाली है, तुम बच्चों के अदब पर ज़रूर लिखो। तो लिहाजा फिर मैं बच्चों के अदब पर लिखना शुरू किया। देखते ही देखते ये समझ लीजिए कि एक डेढ़ साल के अंदर जो है मेरी 24 कहानियाँ जो है वो न सिर्फ मैंने लिखी बल्कि पब्लिश भी हो चुकी थी। और फिर मुझे इतना हौसला मिला कि महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी को मैंने वो मसौदा भिजवा दिया और वो पास भी हो गया। वो सुबह का भूला पहला 1985 में जब मेरी उस वक्त मेरी उम्र 23 बरस की थी तो वो मंजर आम पर आया और वो पहली किताब को, यानी ये अल्लाह ताला का एहसान और करम है कि उसने हौसले किस तरह से अता किए और किस तरह से मुझे जो है इस सिमत में आगे बढ़ने की जो है ये किया कि वो पहली किताब थी जिसको महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी ने भी और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने भी इनामा से भी नवाजा और मैं इनाम उसको हासिल करके मुझे बहुत ज़्यादा तहरीक मिली। तो ये पहली किताब थी और नागपुर शहर में अदब बच्चों के अदब में नसरी और शेरी अदब में ये पहला मजमुआ था जो मेरा जो है बच्चों के अदब में जो है तो सामने आया था। तो ये बच्चों के अदब में ये पहली किताब जो है मेरी मंजर आम पर आई। दूसरी किताब जो है 1998 में खुशबू की वापसी, ये किताब मंजर आम पर आई, इसे भी उर्दू एकेडमी महाराष्ट्र ने इनाम से नवाजा। उसके बाद जो है तो नई सुबह, उसके बाद में खोई हुई दौलत, उसके बाद में बाहरी लौट आई, उसके बाद में जो है सब्ज शाख, यह अभी जस्ट जो है ये मंजर आम पर आई है। ये किताब जो है बच्चों के अदब पर जो है तो ये पहली किताब मंजर आम पर आई है। ये यानी अभी 2020 में मंजर आम पर आई महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी के ताउन से। बच्चों के अदब पर मैंने कुछ तहकीकी काम भी किया है, वो ज़रा सा मैं आपको गोश्त गुजार कर दूं कि नागपुर में बच्चों का अदब, नागपुर में बच्चों के अदब पर लिखने वाले बहुत सारे उदबा और शोरा हैं और थे, लिहाजा उन तमाम उदबा और शोरा को मैंने समेटा और नागपुर में बच्चों के अदब पर एक किताब जो है तो मैंने शाई की, जिसे बिहार उर्दू एकेडमी ने अख्तर ओरेनवी अवार्ड से भी नवाजा। और ये किताब, इस किताब में मैंने यहाँ के नागपुर शहर के बच्चों के उत्पा और शोरा का तारुफ और उनकी एक एक तख्लीक जो है उसमें शामिल करके जो है और एक मुकदमा जो है लिखकर जो है ये किताब मेरी मंजर आम पर आई। दूसरी जो किताब एक है वह है कहानियों की बारात। ये विदर्भ जो 11 ज़िलों पर मुश्तमिल है, इन 11 ज़िलों के जो है 18 अदीब बच्चों के अदीब ऐसे हैं जिनकी एक या एक से ज़ायद बच्चों की कहानियों की किताबें शाये हो चुकी है। तो मैंने वो 18 अदीबों की का तारुफ और 18 अदीबों की नुमाइंदा कहानी, हर एक अदीब की नुमाइंदा कहानी उनको कलेक्ट किया और उनकी भी जो है एक किताब जो है मुरतब करके जो है शाये की, तो वो कहानियों की बारात के उनवान से जो है तो वो शाये हुई। तीसरा एक अहम काम जो मैंने अभी अंजाम दिया हूँ वो काम यह है कि कुल हिंद सतह पर मैंने बच्चों के अदीबों की और शायरों की डायरेक्टरी मुरतब की है, जिसमें बच्चों के अदीब और शोरा के अदीब और शोरा के जो है कवायफ मौजूद हैं, उनके एड्रेस हैं, उनके जो है तो ईमेल नंबर्स वगैरह है, उनके जो है तो उनकी किताबों के उनकी किताबों की लिस्ट हैं और वो कब शाये हुई वो सब हैं, उनके अवार्ड्स हैं, ये सब जो है तफसीलात जो है तो मैंने ये मुरतब किया। और ये
पूरे ऑल ओवर इंडिया में 210 ऐसे अदीब व शोरा हैं जिनको मैंने कलेक्ट किया है, और जो साहिब तसनीफ है, सबसे अहम बात यह कि वो साहिब तसनीफ है, एक से एक या एक से जायद किताबें उनकी जो है मंजर आम पर आ चुकी हैं, तो वो भी एक मेरा तहकीकी काम है। दूसरी तीसरी ये कि तालीमी और तदरीसी नुक्ते नज़र से भी जो है मेरी 3-4 किताबें आई हैं, उसमें सबसे पहले किताब जो है आदाब खुशनविसी, उर्दू जो है वो किस तरह से जो है और खुशखत लिखना चाहिए, ये जो है किताब बच्चों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई और बच्चों ने अपनी उर्दू की जो राइटिंग है वो किताब को सामने रखकर अपनी सवारी और निखारी है, तो ये किताब जो है तो मेरी आई है। उसके बाद में हमारे यहाँ जो है महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर और दूसरी जगहों पर भी, हर जगह जहाँ स्कूलें हैं और स्कूलों में जो है पीरियड जो होती है, हमारे यहाँ पेश दर्स होता है स्कूल शुरू होने से पहले, प्रेयर या पेश दर्स जो है उसको कहा जाता है, पेश दर्स में जो है इकदार की बुनियाद पर जो है कहानी जो है पेश की जाती है, बच्चे खुद कहानी पेश करते हैं प्रेयर में एक, और एक कहानी पेश करने के बाद में जो है कुछ अखवाल पेश किए जाते हैं, और आज की दिन की अहमियत जो है वो किस तरह से हो सकती है माजी में, और माजी में क्या क्या वाक़यात गुजरे हैं आज के दिन, वो वाक़यात को भी जो है तो आज की तारीख के हवाले से बयान किया जाता है। तो ये 3 किताबें मेरी जो है, फूल खिलने दो, इसमें निसाब में जो अकदार बताए गए हैं जैसे तोम परस्ती है, आदाब हैं, और जो है तो शजरकारी हैं, और बहुत सारे जो उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके आधार पर, उसकी बुनियाद पर मैंने वो कहानियाँ लिखी हैं, और वो कहानियाँ फूल खिलने दो के नाम से शाये हुई है। और दूसरे के सुनहरे अखबार, वो भी जो है तो अखबार उसमें वो बच्चे पेश दर्स में पढ़ते हैं वो उस किताब से। और तीसरे के अहमियत अमरोस, जिसमें रोज़ाना आज के हर दिन की जो है अहमियत माजी के हवाले से जो है दी जाती है, वो भी पेज दर्स में बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चों जो प्रेत में बच्चे हाजिर रहते हैं सब उनको सुनाते हैं। लिहाजा ये 3 किताबें मेरी बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, ख़ासतौर से पेज दर्स के लिए, और पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ स्कूलें हैं कायम, वहाँ के बहुत सारे असातिज़ा ने इन किताबों को लेकर जो है बच्चों तक पहुँचाया है, तो ये मेरी किताबें बहुत ज़्यादा मकबूल हुई है। इस तरह से बच्चों के अदब पर मेरा जो है इस तरह का काम है, जो तहकीकी नौयत का भी है, तख्लीकी नौयत का भी है, और मैंने कुछ किताबें जो मुरतब की है वो भी जो है तो आपके सामने मैंने पेश किए हैं किताबों के नाम। सर, इस बीच हमारे साथ आपको सुनने के लिए जुड़ गई हैं मोहतरमा तबस्सुम नाटकर साहिबा, ये उनको मेरा सलाम, ये आपको सुन रही हैं इस पर। जी, और कुछ लोग कुछ सवालात भी आपके पास यहाँ कमेंट की शक्ल में हमारे पास आए हैं। जनाब हमीदुल्ला खान साहब हैं, मोहतरमा डॉक्टर अंबर आबिद साहिबा हैं, इन लोगों ने कुछ चीज़ जानना चाहिए हैं। मैं उनकी बातों को अपने अल्फाज में आपके सामने रख रही हूँ सवाल के तौर पे, कि पहला सवाल तो ये है कि बच्चों के लिए लिखते वक्त जब बच्चों के लिए हम कुछ लिख रहे होते हैं तो किन किन चीज़ों का बिलखसूस हमको ख्याल रखना चाहिए, क्या कुछ अगर हम बोलें कि लिखने के कुछ कायदे कानून अगर होते हैं कहीं पर कोई आइन होता है तो बच्चों के लिए लिखते वक्त वो किस तरह का होता है, हमें क्या चीज़ ख्याल में रखनी चाहिए, खास तौर पे आज के वक्त के जो बच्चे हैं जो कि मोबाइल और टेलीविज़न और कंप्यूटर के बीच में पड़े हुए हैं। सेना साहब, मामला ये है कि बच्चों के अदब की तारीफ ही ये है कि बच्चों का अदब वो अदब है जो बच्चों की ज़रूरतों, बच्चों की दिलचस्पियों, बच्चों के जज्बात एहसासात को सामने रखकर जो है लिखा जाए, और वो ऐसा लिखा जाए कि बहुत ही आसान और सलीस ज़बान में हो। तो सबसे अहम बात तो ये है कि बच्चों के लिए जब हम लिखने बैठते हैं तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत आसान ज़बान में बच्चों के अदब को लिखना या बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि ये बच्चों का खेल नहीं है कि बच्चों के अदब के लिए बस कलम उठाए और लिख लिए, बल्कि बच्चों का अदब जो है वो क्योंकि ये नस्ल की तामीर करता है, ये बच्चों में किरदार की तामीर करता है। मेरी जो कहानियाँ हैं वो मेरी वो कहानियाँ गोश्तपोश के किरदारों से भरी पड़ी हैं, मेरी कहानियाँ ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयाँ पेश करती हैं, मेरी कहानियों में बग़ैर मेहनत के कमाई करने वाले किरदारों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, मेरी कहानियों में वो किरदार हैं जो बच्चे अपने पास पड़ोस में देखते हैं, उन्हीं किरदारों को मैं चुनता हूँ और उन्हीं किरदारों पर जो है मैं कहानियाँ बुनता हूँ।
तो मेरी जो कहानियां हैं और ऐसी ही कहानियां जो है मैं समझता हूं कि आज के अहद में जो है अखलाक को और किरदार को संवारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि जो बच्चा देखता है, अगर मैं कहानी जो है भूत प्रेत या फिर जो है जिन और जो है तो इस तरह के जो है उड़न खटोलों की कहानियाँ लिखूँ या परियों की कहानियाँ लिखूँ, तो बच्चे फिर हमसे ही सवाल करेंगे कि भाई ये कहाँ मिलती है, कहाँ दिखाई देते हैं, ज़रा सा हमको बताएं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और बच्चे आजकल हकीकत पसंद जो हो गए हैं, वो हकीकत जानना चाहते हैं। तो लिहाजा बच्चों को मेरी कहानी लिखने का मकसद या ये मकसद होना ही चाहिए कि बच्चों के अंदर जो है एक ऐसे किरदार की तामीर हो जो समाज के लिए मिसाली हो, जो इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करे, मोहब्बत और खुलूस पैदा करे। और ये जो कदरें टूट फूट रही है और ये जो खुलूस और इशार और कुर्बानी और इस तरह के जितने भी जज्बात हैं, नेक जज्बात, वो जो हमसे रुखसत हो रहे हैं, तो उसकी बहाली के लिए जो है उसकी बहाली के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों में एक ऐसे किरदार की तामीर के लिए जो है कोशा रहें अदब के हवाले से, ताकि हम बच्चों में जो है वो किरदार जो है देख सकें। तो सबसे अहम बात यह है कि जब आसान जबान में हम लिखेंगे, और होता ये है असल में कि जो बड़े अदीब हैं या बड़ों के जो लिखते हैं, तो उनसे कहीं कहीं ये हो जाता है कि जब वो बच्चों का अदब लिखने बैठते हैं तो बच्चों का अदब लिखते लिखते फिर बड़े बन जाते हैं उसी में, तो वो ठीक नहीं है। बच्चों के लिए आसान जबान में लिखना ज़रूरी है, और वो आसानी जो है कहानी में बोलिए या नज्म में बोलिए वो बरकरार रहना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि आपने कहा कि ये बच्चों के हाथों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, और वो बच्चे जो है तो ये इससे इसको हटाकर या इसको रखकर एक मैगजीन किस तरह से उठाए, या अपने हाथ से मोबाइल जो है वो रखकर जो है वो किस तरह से जो है तो कहानियों की किताबों को उठाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है राइटर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस चैलेंज को जो है तो पूरा करना राइटर को बहुत ज़रूरी है कि वो कहानियों को या नज़मों को इतना दिलचस्प बनाए और इतना दिलकश बनाए, और वो किताबें भी इतनी दिलकश शाये हो कि किताब का सरेवरक देखकर ही जो है बच्चा जो है तो उसकी तरफ लपके और वो किताब के अंदर की खूबसूरती और अंदर की राइटिंग और वो सब कहानियाँ या नज़में पढ़कर जो है बच्चा मोबाइल को एक साइड में रख दे। तो ये इसके लिए एक बड़ा चैलेंज है, ख़ासतौर से बच्चों के अदीबों के लिए, कि वो जो है तो अपनी तहरीरों को दिलकश बनाना बहुत ज़रूरी। दूसरे के साइंटिफिक नुक्ते नज़र से भी कहानियाँ जो है वो आनी चाहिए, मालूमाती नुक्ते नज़र से जो है कहानियाँ लिखी जानी चाहिए, नज़में लिखी जानी चाहिए। अगर ये सब होता है तो मैं समझता हूँ कि वाकई में बच्चों का अदब जो है वो परवान चढ़ सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मामला ये हो रहा है कि जो पब्लिशर्स हैं, जो एडिटर्स हैं रसाइल के, वो अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत बखूबी निभा रहे हैं, राइटर्स जो हैं वो किताबें बराबर शाये कर रहे हैं, लेकिन ये जो तीन हाथ है, एक बुक डिपो जो है एक सेंटर है, या किताब मेले हैं ये सेंटर हैं, या और उसके बाद में जो एक वालिदैन है वो एक सपोर्ट है, एक हाथ है, और एक जो है बच्चे का हाथ है, कहीं कहीं एक हाथ जो है तो कहीं ना कहीं जो है तो वो गुम हो गया है। इसलिए कि ये किताबें तो बाज़ारों में आ रही है, ये किताबें तो बराबर जो है तो राइटर लिख रहे हैं, जिम्मेदारियाँ सब निभा रहे हैं, और पब्लिशर छाप रहे हैं जो है तो, एडिटर जो है तो मैगजीन निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो है ये रसाइल, ये किताबें जो हैं वो मासूम बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। और यहाँ पर जो है एक हाथ ऐसा लगता है कि कहीं गुम है, वो हाथ अगर कभी मिल जाता है और ये बुक डिपो से या ये सेंटर से अगर एक अच्छी अच्छी किताबें, अच्छा अच्छा मवाद जो है वो बच्चों तक पहुँचता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा बच्चों का अदब जो है वो बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि मुझे हौसला उस वक्त मिलेगा जब मैंने ये किताब शाया किया हूँ, अगर ये अलमारियों में कैद हो जाए और इसको दिमाग चाट जाए तो मुझे दूसरी किताब शाया करने का हौसला नहीं मिलेगा। लिहाजा मेरी किताब ये अगर बच्चों तक पहुँचती है, किसी भी अदीब या किसी भी शायर का यही मामला होता है कि वो लोग उसको पढ़ें तो उसको हौसला मिलता है, तो अगर मेरी किताब अगर कभी या किसी राइटर की किताब अगर बच्चों तक पहुँचती है तो उसको हौसला मिलेगा और वो अगली किताब की भी तैयारी करेगा, वरना ये किताबें दिमाग अगर चाट रही है उसको और अलमारी में बंद है तो दूसरी किताब की हिम्मत नहीं कर पाएगा। वालिदैन से मेरी खास तौर से मोहतबाना गुजारिश है कि वो जो है बच्चों के हाथों तक ये किताब पहुंचे और ये कतई ख्याल न करे कि अब वो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका परसेंटेज का मामला है। मैं ऐसा समझता हूँ, बच्चे अगर ज़रा गौर से सुने और बच्चे अगर कभी तवज्जो दें इस बात पर कि वो सोचें कि दिन भर में हम कितनी बार मोबाइल को हाथ में ले लेते हैं, कितना टाइम उस पर हमारा चला जाता है, और हम कितनी बार टीवी कितनी देर तक हम टीवी देख लेते हैं,
अगर उसमें से सिर्फ ये समझ लीजिए कि 10 मिनट अगर हम जो है कहानी को पढ़ लें या एक मजमून को पढ़ लें या एक नज्म को पढ़ लें, तो मैं समझता हूँ कि कोई उसमें मुजायका नहीं है। जिसके पास वक्त नहीं है उसी के पास वक्त है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो बच्चे जितने भी मसरूफ हैं इसके बावजूद भी जो है वो पढ़ सकते हैं। जी बहुत खूब बात आपने कही, जिसके पास वक्त नहीं है दरअसल वही कर सकता है, जो खाली है वो कुछ कभी वो खाली है ही इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ कहता है कि नहीं मेरे पास करना वक्त है। नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो खाली है ही इसलिए क्योंकि उनके पास वक्त कभी था ही नहीं ना ही कभी होगा। ये बहुत खूबसूरत तंज है, जो समझ सके उसके लिए काफी है। सर आपसे इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रोग्राम में मोहतरमा चश्मा शहजाद फारूकी जी साहिबा, जी फारूकी साहब जी जनाब शब्बीर अहमद दिल्ली से कादरी साहब जी आपके जी साथ। जी और एक चश्मा फारूकी साहिबा ने एक सवाल किया है लेकिन उसका जवाब हम पहले ही मैं आपसे एक आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही सर। हम लोग कल भी दरअसल बच्चों के अदब की बात कर रहे थे और कल भी ये बात हमने कही थी कि दरअसल हमारे लिए मुसीबत ये है, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे समाज में बच्चों से जुड़ी हुई हर बात को बच्चों वाली बात माना जाता है, जी बच्चों का जी खेल माना, उसको हम संजीदगी से लेते ही नहीं है। तो चलिए बच्चों का अदब संजीदगी से जब तक हम नहीं लेंगे तब तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने जो बात कही वो काबिले गौर है कि बच्चों का अदब जो है उस पर जिम्मेदारी है नस्ल और नस्ल के किरदार की तामीर की भी तामीर है की। क्या जी हाँ बच्चा जो पढ़ेगा उसके नाजुक जहन पर वो छाप पड़ेगी, जैसे गीली मिट्टी पर जो छाप पड़ती है वो जी गीली जी मिट्टी के पक जाने के बाद सूख जाने के बाद जिंदगी भर वो छाप रह जाती है। तो बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत ही जरूरी बात आपने कही है। जी लेकिन जी आपने उसके साथ एक बात और कही कि अगर आपने कुछ लिखा और वो किताब कहीं अलमारियों में बंद रह गई और उसे किसी ने पढ़ा ही नहीं, बच्चों तक वो पहुंची ही नहीं, तो शायद अगली किताब लिखने का आपके अंदर जज्बा पैदा नहीं होगा और बच्चों तक वो बात वो उसका जो फायदा है वो नहीं पहुंचेगा। जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप अदीब हैं, आपने बहुत कुछ लिखा है और आपको अवार्ड्स भी मिले हैं, इसके चलिए अलावा आपने बहुत से सामाजिक कामों से भी खुद को जोड़ा है जिसके लिए आपको अवार्ड मिले हैं, आपके काम करने का दायरा बहुत बड़ा है। जी किताबें बच्चों तक पहुँचें ये जिम्मेदारी राइटर की, पब्लिशर की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, स्कूल की, घर की, समाज की, क्योंकि बच्चा खुद अपने लिए किताब ना तो इंतखाब कर सकता है, ना बच्चा अपने लिए किताब खरीद सकता है, ना बच्चा अपने लिए किताब कहीं से, मतलब जैसे हम बड़े लोग कुछ भी कहीं से अपने लिए इंतजाम कर सकते हैं, बच्चा नहीं कर सकता है। बच्चे को जन्मदिन पर किताब अगर आप तोहफे में देंगे तो बच्चे के अंदर एक एक प्यार इश्क पैदा होगा किताबों के लिए, बहुत छोटे में। हम बच्चे को देते हैं खिलौना, कल खिलौना मैगजीन की बात हो रही थी जो बहुत पहले छपा करती थी, तो वो मैगजीन जब बच्चों के हाथ में आती थी तो बच्चों के अंदर उस खिलौने के लिए प्यार पैदा होता था। तो आपका आपका जो मेरा जो सवाल है, आपका क्या मशवरा होगा, आपके हिसाब से ये किताब बच्चों तक कैसे पहुंचेगी? ये जिम्मेदारी आपने लिखा, अदीब लिख कर खाली हो गया, लेकिन अब वो किताब बच्चों तक पहुंचे ये कैसे करना है, ये कैसे होगा? इसके लिए जैसा कि आपने कहा कि पब्लिशर की और राइटर की ये जिम्मेदारियां हैं, तो ये तो जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो मामला ये हो जाता है कि जहां पर बच्चों का जो ये समझिए कि इज्तम होता है वो एक स्कूल है, और इसमें एक बात ये है कि वालदेन जो है वो आजकल हो क्या रहा है कि जो तालीम का जो मामला है वो इस कदर जो है कॉम्पिटिटिव हो गया है, और वालिदैन के जहन में सिर्फ एक ही सवाल और एक ही बात रहती है कि मेरा बच्चा जो है वो किसी तरह से जो है तो परसेंटेज अच्छे से अच्छा लेकर आए, और मेरे पड़ोस का बच्चा जो है तो ये पढ़ रहा है बच्चे तो ये के भी चल हाथ जाए, में कोई और बच्चे किताब होती है तो बच्चे को डांट पड़ बच्चों जाती छीन है। लिया जाता, डांट पड़ जाती है, और वो नहीं चाहते वालिदैन के जी वो टाइम जो है कुछ इस तरह से जो है तो वो दूसरी किताबों पर लगाए, तो उनकी ये रहती है। हालांकि मैंने जैसा भी इससे पहले भी कहा कि वो बच्चा अगर सोचे कि मैंने दिन भर में से कितना टाइम वेस्ट किया हूँ तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि वो जो है तो उसने कुछ तो टाइम वेस्ट जरूर किया है। उस वेस्ट किए हुए टाइम में अगर वो 10 मिनट अगर बच्चों के लिए जो कहानियाँ लिखी गई है, जो मजामी लिखे गए, जो मालूमती जो मजामी लिखे गए अगर वो पढ़ लेता है
या एक आध पढ़ लेता है या कुछ ऐसा अपना रूटीन बना लेता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई वो नहीं है। लेकिन ये है, होता है, हो यही रहा है कि बच्चे का जो बोझ है, बच्चे का बोझ वो बहुत बढ़ गया है। और ये जो ट्यूशन क्लासेस का जो मामला हो गया है, वो एक ट्यूशन क्लासेस का मामला, पहले हम जब पढ़ते थे तो ट्यूशन वो बच्चे लगाते थे जो बहुत कुंजहन होते थे, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कमज़ोर हुआ करते थे तालीम में, तो वो बच्चे ट्यूशन लगाते थे। अब ये ट्यूशन का जो सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये दूसरी स्कूल शुरू हो जाती है। एक स्कूल से वो निकला है, दूसरी स्कूल में वो दाखिल होता है उस दिन, और वो स्कूल भी जो है 100-150 बच्चों के बस्तों का बोझ कितना ज्यादा होता है, कितना बोझ है उनके बस्तों में, वो बोझ बढ़ गया है। और बच्चा जो है तो अभी सांसें अपनी जो है तो पूरी तरह से वो नहीं करता है कि उसको ट्यूशन का वक्त हो जाता है, वो ट्यूशन के लिए निकल पड़ता है, हफ्ते का हफ्ते जो है वहाँ पहुँचता है, एक डेढ़ घंटा वहाँ बिता देता है, 2 घंटे आने जाने में उसका एग्जर्शन हो जाता है। तो लिहाजा वो ना दूसरे से, बल्कि मैं तो ऐसा समझता हूँ कि वो जिन सब्जेक्ट की उसने ट्यूशन लगाया है, जो खास का सब्जेक्ट है, बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी वो वक्त नहीं निकाल पाता और पढ़ाई नहीं कर पाता, और उसमें जो है वो अच्छे नंबर नहीं ले पाता। तो बैलेंस स्टडी के लिए जो है वो यानी होना ही, मैं ऐसा समझता हूँ। अच्छा, फिर हो कह रहा है कि जो ट्यूशन का जो मामला है, ये पहले ट्यूशन दिसंबर में ख़त्म कर दी जाती थी ताकि आप वो पढ़ाई जो है तो आप कंटिन्यू कर सके, लेकिन अब तो ये होता है कि कल पेपर अगर है तो आज तक जो है तो वो ट्यूशन जारी रहती है, तो वो ट्यूशन का सिलसिला जो है तो इस तरह से जारी रहता है। तो बच्चों को जो है तो बच्चे वैसे ही परेशान रहते, लेकिन फिर भी जो है हम ये नहीं कह सकते उसके बाद जो समय बचता है वो बच्चा लैपटॉप पे या मोबाइल पे आना चाहता है, किताब आना चाहता है, पहुंचती नहीं। तो ये वालिदैन की जो है तो वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, असातिज़ा की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन सबसे पहले ये कि वालिदैन की जहन साजी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसके बच्चे में वो किताब देखे तो वो जो है तो उसकी हौसला अफजाई करे, उसको पढ़ने के लिए तहरीक दिलाए कि भी पढ़े। लेकिन अगर कभी ऐसा नहीं होता है तो असातिज़ा की कोशिशें भी और दिगर लोगों की कोशिशें भी नाकाम हो जाएगी। तो वालिदैन की जो कोशिशें है वो होना चाहिए इसमें, कि वो ज़रा सा इस सिलसिले में जो है तो पॉजिटिव और मुस्बित रवैया अपनाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये काम आगे बढ़ सकता है। जी, डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब और प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब आइंदा के लिए एक टॉपिक सोच रहे हैं प्रोग्राम के लिए, मोबाइल, किताब और बच्चे, और बेशक ये बहुत ही कारगर होगा। इस पे कन्वर्सेशन नहीं बल्कि एक डिस्कशन होना जरूरी है, जिसमें आप जैसे लोग आए और ये बताएं कि बच्चे तक किताब कैसे पहुंचेगी। सर, आपके हिसाब से लाइब्रेरीज हमारे समाज में, हमारे अलग अलग शहरों में क्या हैं, इतनी जितनी होनी चाहिए बच्चों के लिए लाइब्रेरी वगैरह स्कूल के अलावा? देखिए, लाइब्रेरीज जो जैसे बच्चों के लिए, खालिस बच्चों के लिए लाइब्रेरीज अगर आप कह रहे हैं तो उसका तो फुकदान है, बिल्कुल नहीं है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि बच्चों के लिए लाइब्रेरीज हो, लेकिन उसका जो है उसको हम असर किया, यानी हम यानी मौजूदा ज़माने से उसको हम असर किया जाए, उसको जो है तो उसके अंदर हम आंगी पैदा की जाए, और उसके अंदर कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भी जो है, जैसे बहुत सारी वीडियोस पर वो कहानियाँ जो तैयार की जाती है, वो कहानियाँ, वो नज़में इस तरह की जो है तो वीडियोस पर वो की जाए। इसके अलावा जो है कुछ इस तरह के खिलौने जो तालीमी नुक्ते नज़र से जो है तो अहमियत रखते हैं और जिससे तालीम हमको हासिल हो सकती है, इस तरह के खिलौने जो है तो वहाँ रखे जाएँ, कंप्यूटर्स रखे जाएँ और किताबें भी रखी जाएँ। तो उससे ये होगा कि बच्चों का जो अट्रैक्शन है लाइब्रेरी जाने का वो बढ़ेगा, वरना सिर्फ अगर हम किताबें रखेंगे, रसायल रखेंगे तो शायद वो अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। उनके साथ साथ जो है ये चीज़ें भी अगर हम रखें और इस तरह की स्टोरीज को पिक्चराइज करें और उसको वहाँ पर जो है तो बताएं, या वो जो है बच्चे खुद ही जो है तो वहाँ पर इस तरह की जो है कहानियाँ वगैरह जो है तो देखें और उसको उनको समझें, तो वो उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि बच्चों के अदब के फ़रोग के लिए आज के इस दौर में जो है कहानियों को डिजिटल करना, कहानियों को जो है या नज़मों को जो है डिजिटल करना या फिर उनको जो है पिक्चराइज करना, ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि बच्चे जो है सचमुच के किरदार को सामने देखकर जो है वो कहानी को महसूस करे, देखे और उनकी दिलचस्पी बढ़े। मेरा ऐसा ख्याल है कि बच्चों के अदब के फ़रोग के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है। सर, इस पर भी हम आपसे एक बात, बहुत ज़रूरी सवाल और आपकी राय हम जानना चाहेंगे, आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। इसके पहले
हम आपकी कुछ लिखी हुई कुछ छोटी कहानियां, कुछ बच्चों के लिए बचकांचे जो है वो ऐसी कोई कविता कोई कहानी, उसका हम एक हिस्सा सुनना चाहेंगे आपसे। क्या मैं वो मिनी अफसाने जो है वो कैसे पढ़ सकता हूँ? मिनी अफसाने जो जी है बिल्कुल पढ़ मेरे जो है सकते हैं, वो और कुछ बच्चों के लिए कुछ छोटे खास छोटे आपने बच्चों के लिखा लिए है। वो हाँ भी मैं हाँ पढ़ देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल पढ़ें आप सर, बिल्कुल पढ़ें। मैं आपको स्क्रीन पर ला रही हूँ पूरा, आप आराम से पढ़ें, मैं सुन रही हूँ आपको। जी मेरी एक कहानी का अनुमान है मसलहत। गांव के एक ऐसे फकीर की शादी हुई जो दोनों आंखों से अंधा था। अफसोस कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई अल्लाह ताला ने उसकी आंखें भी बचपन ही में छीन ली थी। वो दोनों एक दूसरे का सहारा होते हुए भी बेसहारा थे। जब मैं 6-7 साल बाद अपने गांव लौटा तो देखा कि वो एक बच्चे के सहारे चल रहे थे। वो बच्चा उनका अपना था जिसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी। मेरी दूसरी मिनी कहानी का उनवान है ख्वाब कभी सच नहीं होते। लोगों की भीड़ उस जगह जमा थी जहां एक मजदूर इमारत से गिरकर मर चुका था और जमीन पर 2 पोस्टकार्ड भी गिरे थे जो वो काम पर आने से पहले लिखकर अपनी जेब में रखा था और पोस्ट नहीं कर पाया था। एक खत उसकी बीवी ने लिखा था, कल रात मैंने एक भयानक ख्वाब देखा है। आप काम करते करते 6 मंजिला इमारत से नीचे गिर गए हैं और मालिक की हकीकी से जा मिले हैं। लेकिन जब से मैंने ये ख्वाब देखा है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप फौरन अपने गांव लौट आओ। दूसरा खत मजदूर ने लिखा था जो अभी पोस्ट नहीं कर पाया था। मजदूर ने लिखा था कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ, तुम परेशान क्यों होती हो? याद रखो हमारे ख्वाब कभी सच नहीं होते। और क्या एक और बात कर कहानी रहे हैं है, आप। एक और कहानी है, उसने अपने खत में लिखा था, मैंने अजनबी जिंदगी से समझौता कर लिया है, अब मुझे सारी खुशियाँ मिल गई है, अब तुम मेरे बारे में सोचा ना करो, खुदा करे तुम्हारी जिंदगी भी तुमको खुशियाँ दे। मैं उसका खत बड़ी मुश्किल से पढ़ पाता हूँ क्योंकि स्याही जगह जगह से फैली हुई है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट की एक हल्की सी किरण नमूदार होती है और मेरी आंखों में भी 2 मोटे मोटे आंसू चमकते हैं और खत पर लिखे हुए बाकी हरफों को भी स्याही बना देते हैं, शायद ये लिखने के लिए कि मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे भी सारी खुशियाँ मिल गई है, प्लीज़ तुम मेरे बारे में सोचा ना करो। और एक बच्चों के लिए कहानी जो है वो मैं पढ़कर सुना देता हूँ। जी जब से शब्बीर साहब का तबादला एक छोटे से गांव में हुआ था, इस कहानी का उनवान है और गर्द साफ हो गई। ये तोहम परस्ती पर कहानी है। जब से शब्बीर साहब का तबादला एक छोटे से गांव में हुआ था, वो महसूस कर रहे थे कि उनकी बेटी निगार बहुत उदास और बहुत परेशान रहती है। वो स्कूल में भी जमात के साथियों के साथ घुल मिलकर नहीं रहती बल्कि हमेशा तन्हा दिखाई देती है। उस दिन जब निगार की सहेलियों से बिछड़ने का गम है, उस दिन जब निगार की अम्मी से उन्होंने निगार की खामोशी और उदासी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि हमारी बेटी को अपनी सहेलियों से बिछड़ने का गम है। ये सुनकर शब्बीर साहब कुछ देर के लिए खुद भी उदास हो गए। वो जिला परिषद स्कूल में मुदरिस थे और गुज़श्ता 5 सालों से अपने ही वतन के एक स्कूल में मुदरिसी कर रहे थे, मगर चंद दिनों पेशतर उनका जब अचानक तबादला वतन से दूर एक गाँव में कर दिया गया तो शब्बीर साहब अपने अपने बीवी बच्चों के हमरा उस गाँव में आ बसे। उन्होंने अपनी बेटी निगार का नाम वतन के स्कूल से खारिज करके उसका दाखिला भी गांव की उसी स्कूल में कर दिया जहां उनका तबादला हुआ था। निगार की अम्मी ने जब शब्बीर साहब को उदास देखा तो कहा, यहाँ उसे नया माहौल और नए साथी मिले हैं, गांव के माहौल में ढलने के लिए उसे वक्त लगेगा, लेकिन फिक्र मत कीजिए, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शब्बीर साहब कहने लगे, सफिया तुम ठीक कहती हो, मगर जरा सोचो, मैं तो जिला परिषद में मुदरिस हूँ, मेरे तबादले तो इसी तरह होते रहेंगे, फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या
क्या वो यूं ही तालीम हासिल करने के लिए मेरे साथ स्कूलें बदलते रहेंगे और नए नए साथियों और माहौल से हम आहंग होते रहेंगे, यही हाल रहा तो यकीनन उनकी तालीम पर भी असर पड़ेगा। मेरा ख्याल तो यह है कि हम अपनी बेटी निगार को उसकी नानी जान के यहाँ रख छोड़े और वहाँ की अच्छी स्कूल में दाखिला दिला दे ताकि वो अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो दे सके और यकसुई के साथ एक ही स्कूल में आला तालीम हासिल कर सके। मगर उसके बिना सफिया कहते कहते रुक गई, नहीं सफिया हमें तालीम के खातिर उसकी जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। दूसरे दिन शब्बीर साहब ने अपने स्कूल से उसका नाम खारिज कर दिया। जब निगार को पता चला कि वो नानी जान के ही घर रहेगी और वहीं तालीम हासिल करेगी तो एक लम्हे के लिए उसे बहुत माँ बाप से पिछड़ने का एहसास ज़रूर हुआ, लेकिन अच्छी स्कूल में उसका दाखिला और आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश ने उसके चेहरे पर मुस्कराहट बिखेर दी। यूं भी वो हमेशा मौसम गर्मा की तातीलात नानी जान के यहाँ ही गुजारा करती थी, इसलिए वो वहाँ के माहौल से आशना थी। अलावा अजी नानी जान के पास पड़ोस में रहने वाली चंद लड़कियाँ की कुर्बत भी उसे हासिल थी। इतवार के दिन निगार के वालिद और वालिदा निगार को साथ लिए नानी जान के शहर आए। यहाँ उन्होंने चांद बीबी उर्दू प्राइमरी स्कूल में निगार का दाखिला चौथी जमात में कर दिया और निगार को नानी जान के पास छोड़ चले गए। चांद बीबी उर्दू प्राइमरी स्कूल के आते में ही हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज भी कायम था। यहाँ अव्वल जमात में दाखिला लेने वाला बच्चा 12वीं जमात तक तालीम बआसानी हासिल कर सकता था। यहाँ का नज़्म ज़ब्त और तालीमी मियार भी अच्छा था, अलबत्ता ये स्कूल नानी जान के घर से कुछ फासले पर ज़रूर था। निगार ने नानी जान के घर के एक कमरे में अपना सामान करीने से सजा दिया। निगार के मामू जान का इंतकाल तो उनके बचपन ही में हो चुका था, 2 साल कबल नाना जान भी अल्लाह को प्यारे हो गए थे, तो नानी जान इस लंबे चौड़े कमरे में घर में अकेली रह गई। वो बड़ी सीधी सादी और बाखलाक खातून थी, पढ़ी लिखी न थी और पुराने रस्म व रिवाज और ख्यालात को अभी भी वो अपनाए हुए थी। दूसरे दिन निगार स्कूल जाने के लिए तैयार होकर जब ने नानी जान के कमरे में उन्हें सलाम करने के लिए दाखिल हुई तो देखा वो खुद भी उसके साथ चलने के लिए तैयारी में मसरूफ है। निगार को देखते ही कहने लगी, तुम अकेली स्कूल नहीं जाया करोगी, मैं तुम्हें स्कूल रोजाना छोड़ आऊंगी। इस घर में तो बस एक ही हुक्म चलता था, नानी जान का हुक्म। घर में दूसरा फर्द था भी नहीं कि उसके सामने फरियाद पेश की जा सके, लिहाजा बिला चूच चरा नानी जान का हुक्म मानकर उस पर अमल किया कर लिया जाता। अब वो रोजाना नानी जान के साथ स्कूल जाती और छुट्टी होती ही अपनी सहेलियों के साथ घर आ जाती, यही उसका मामूल था। देखते ही देखते 3 माह का अरसा पलक झपकते ही गुजर गया। एक दिन की बात है, मामूल के मुताबिक जब तैयार होकर नानी जान के कमरे में गई तो देखा नानी जान सो रही हैं और उनका बदन बुखार से तप रहा है। उसने फौरन शगुफ्ता आंटी जो को आवाज़ दी। शगुफ्ता खुद डॉक्टर थी और पड़ोसी में रहा करती थी। जैसे निगार की आवाज़ सुनी दौड़ी दौड़ी आई, नानी जान का मायना करके अपने पास की गोलियां और दी और आराम करने की हिदायत देकर जाने के लिए उठी ही थी कि नानी जान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, बेटा जब तक मेरी तबीयत संभलती नहीं है तुम मेरी निगार को स्कूल पहुंचा दिया करो। निगार दिली दिल में सोच रही थी, शगुफ्ता आंटी यूँ भी बहुत मसरूफ रहती है, उन्हें जहमत देने की क्या ज़रूरत है, वो खुद अकेली स्कूल चली जाया करेगी, लेकिन नानी जान को समझाए कौन। वह शगुफ्ता ने कहा, नानी जान आप निगार की फिक्र क्यों करती हैं, मैं खुद उसे स्कूल पहुँचा दिया करूँगी। बेटा निगार चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आती हूँ, यह कहकर शगुफ्ता ने निगार की उंगली पकड़ी थामी और निकल पड़ी। अभी ये दोनों कमरे से निकलकर मोहल्ले की गली के नुक्कड़ पर आए ही थे कि निगार ने देखा कि एक बिल्ली उनके सामने से रास्ता काटती हुई गुजर गई है। निगार ने जब ये मंजर देखा तो एक लम्हे के लिए वो चौंक पड़ी और शगुफ्ता के हाथ से उंगली खींचकर अपनी जगह खड़ी हो गई। शगुफ्ता ने हैरत से उसकी जानिब देखा, उसके मुस्कराते हुए चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। क्यों, क्या हुआ, पैर में कांटा चुभ गया है क्या? अरे आंटी आपने देखा नहीं, अभी अभी एक बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है। हाँ हाँ तो क्या हुआ, इस तरह के जानवर तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं, शगुफ्ता ने लापरवाही से जवाब दिया। हाय अल्लाह आंटी तुम्हें कैसे समझाऊं, दूसरे जानवर की बात और है, ये बिल्ली है, बिल्ली अगर ये रास्ता काट देती है तो हमारा आगे जाना गोया कोई मुसीबत मोल लेना है। अब मैं अगर स्कूल चली जाऊं तो तुम जरूर मेरे साथ भी कुछ बुरा होगा, तो क्या आज तुम स्कूल नहीं जाओगी? शगुफ्ता ने ताज्जुब से पूछा। नहीं आंटी आज मैं स्कूल नहीं जा सकती, जब जब भी बिल्ली हमारा रास्ता काटती है नानी जान मुझे घर वापस ले आती है। ये सुनकर शगुफ्ता ने जोरदार कहका लगाया। अच्छा तो फिर तुम इस तरह खूब छुट्टियां मना लेती होंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, कुछ बुरा होने से तो अच्छा है कि घर पर ही आराम कर लिया जाए। अब देखिए ना कली की तो बात है, नानी जान फजर के बाद दूध लाने जा रही थी, एक बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो देख ना सकी और आगे बढ़ गई। बाद में उन्हें एहसास हुआ तो घर आकर बहुत पछताई, लेकिन अब पछताने से क्या हासिल, उनके साथ जो कुछ होना था हो गया। आज आपने देख लिया, सुबह से बिस्तर पर है और बदन बुखार से तप रहा है। अच्छा तो इसलिए तुम्हारी नानी जान को बुखार आ गया है, शगुफ्ता ने राजदाना अंदाज में पूछा। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम आज स्कूल जरूर जाओगी, ये कहकर शगुफ्ता ने निगार का हाथ जोर से दबोच कर अपनी जानिब खींच कर चलने लगी।
अरे अरे लेकिन, निगार चिल्लाई, नहीं लेकिन, लेकिन कुछ नहीं, अरे पगली सब वह में, आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। नानी जान के जहन और दिल पर फरसुदा ख्यालात के गहरे अंधेरों ने पर्दा डाल रखा है, वो तालीम याफ्ता भी नहीं है, लेकिन तुम तो तालीम हासिल कर रही हो, समझदार भी हो, क्या तुम भी उनके ख्यालात की हिमायत करोगी? तुम्हें सोचना चाहिए, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। फिर ये मामूली जानवर माज अल्लाह हमारी तकदीर का कातिब कब से बन बैठा? अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसने हमें अक्ल फहम और फरासत अता की है। दुनिया में ये सारी मखलूकात और चीज़ें हमारी जरूरियात और फायदे के लिए बनाई गई हैं। शगुफ्ता ये बातें अभी निगार से करी रही थी कि मदरसा आ गया। निगार फिर एक लम्हे के लिए रुककर अपनी आंटी को देखने लगी। गोया कह रही हूँ, आंटी मैं पहली बार बिल्ली के काटे हुए रास्ते से आगे बढ़कर स्कूल आई हूँ। बेटा तुम फिक्र ना करो, हमारा हामी और नासिर और मौफिस तो अल्लाह ताला है, इंशाल्लाह हमें कुछ नहीं होगा। शौक से जाओ और दिलचस्पी के साथ पढ़ो। आंटी के इसरार पर निगार स्कूल के अहाते में दाखिल हो गई और शगुफ्ता सलामती का हाथ हवा में हिलाकर घर लौट आई। शाम में निगार जब स्कूल से घर वापस लौटी तो उसकी सहेली भी उसके साथ थी। निगार का चेहरा खुशी से खिला हुआ था। घर आकर उसने अपना बस्ता तिपाई पर रखा, नानी जान को आवाज़ दी, लेकिन वो सो रही थी। वो दौड़ी दौड़ी पड़ोस में शगुफ्ता आंटी के यहाँ चली गई। आंटी आंटी, आज तो गजब हो गया, क्या हुआ, क्या कोई आफत टूट पड़ी? शगुफ्ता ने बावर्ची खाने से आवाज लगाई। नहीं नहीं आंटी, ये देखिए मेरी मार्क्स लिस्ट, आज स्कॉलरशिप का रिजल्ट आया है। हमारी जमात से 15 लड़कियों ने इम्तिहान में शिरकत की थी, उनमें से सबसे ज्यादा नंबरात मुझे मिले हैं। उसने ये सब एक ही सांस में कह दिया। अरे वाह, क्या बात है, मुबारक हो, शगुफ्ता ने उसे अपने पहलू में समेटते हुए कहा। और पता है आज हमारी स्कूल में एक जलसा भी हुआ, इस जलसे में हम सबको मेहमानों के हाथों ये मार्क्स लिस्ट दी गई। मेरी नुमाया कामयाबी पर बच्चों ने खूब तालियां बजाई, सभी मेहमानों और असातिज़ा ने मुझे प्यार किया, आज मुझसे सभी खुश थे। और वो बिल्ली, शगुफ्ता ने टहुका देकर पूछा। निगार के जहन पर जमी हुई दकियानुसी ख्यालात से पैदा हुए वहम की गर्द साफ हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी आज मुझे यकीन हो गया है, वो बिल्ली बिल्ली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा अच्छा बुरा करने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और मज़ेदार बात सुनिए, कहो कहो। अरे वो बिल्ली है ना जो हमेशा रास्ता काटा करती थी, आज जब हम स्कूल से लौट रहे थे तो देखा वो रास्ते पर मरी पड़ी है। शगुफ्ता ने उसे अपने पास बिठाया और मुस्कुराते हुए शफकत आमेज लहजे में पूछा, निगार अब तुम ही बताओ, आज का दिन तुम्हारे लिए मनुष्य था या फिर वो बिल्ली के लिए? इस बिल्ली का रास्ता आखिर किसने काटा होगा? ये सुनकर निगार खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर देर तक हंसती रही और गर्द साफ हो गई। ये कहानी बहुत खूब, बहुत ही खूब और एक बहुत ही गहरी जड़ी हुई जो हमारे अंदर एक कील होती है हमारे जहन में, कि जो अंधविश्वास है जिनसे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनसे हमारा बचपन से ही हमारा जहन, हमारा मन जकड़ दिया जाता है, हमारे जहन में वो कीलें जड़ दी जाती हैं, उसको निकालने का बड़ा खूबसूरत सा तरीका आपकी इस कहानी में वो शगुफ्ता आंटी ने निकाला और आपकी कलम को हम सलाम करते हैं। और ऐसी बहुत सी कहानियाँ ज़रूरी हैं बच्चों को, बिल्कुल सही और गलत, क्योंकि उनको हम बार बार कुछ टोकेंगे तो शायद वो उतना नहीं समझ पाएंगे जितना वो एक कहानी पढ़कर समझ सकते हैं ऐसे किरदारों के जरिए। और आखिर में एक सवाल यहीं से उठ के आता है सर, मैं जानना चाहती हूँ, हमारे प्रोग्राम का समय खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी मैं एक सवाल का आपसे जवाब जरूर जानना चाहूँगी कि जैसा हमने कहा कि इस तरह की कहानियाँ जहन पे पड़ी हुई गर्द को साफ करती हैं, धूल को साफ करती हैं। पढ़ी हुई चीजें, देखी हुई चीजें, जो हम विजुअल देखते हैं वो हमें याद रहता है। इसके पहले आपने कहा कि हमारी कहानियों को एनिमेटेड करने की जरूरत है, उन पर सिनेमा बनाने की जरूरत है, उनको डिजिटलाइज करने की जरूरत है। तो इस पे अभी कितना काम हुआ है आपके मुताबिक और कितना और बाकी है और किस तरीके से इस रफ्तार को हम बढ़ा सकते हैं, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए इसमें काम जो है अभी हुआ ज़रूर है और लेकिन रफ्तार नहीं पकड़ सका है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि ये काम ज़रूर रफ्तार पकड़ेगा और ये काम आगे बढ़ेगा। इसमें कहानियाँ सुनाने का सिलसिला और उसको जो है तो किरदारों के साथ पेश करने का सिलसिला जो है ये शुरू हुआ है, लेकिन अभी बड़ी उसकी बड़ी ज़रूरत है और वो अभी जिस अंदाज होना चाहिए और जिस वाफर मकदार में होना चाहिए वो अभी हो नहीं पाया है। लेकिन मुझे उम्मीद ज़रूर है कि जब ये काम शुरू हो चुका है तो यकीनन इसमें जो है इसमें राइटर्स की भी और दूसरे लोगों की भी दिलचस्पी बढ़ेगी और इसको जो है इसको आसान बनाने के लिए जो है या इसको ये थोड़ा सा खर्चीला है तो इसको थोड़ा सा
ये खर्च जो है वो राइटर्स बर्दाश्त कर सकें या और भी दूसरे लोग बर्दाश्त कर सकें, इसका इसके लिए ज़रा सा माली जो है वो एक वो माने हो जाती है बात, इस वजह से जो है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो है तो इस तरह की जो है पिक्चराइज होगी ये कहानियाँ और नज़में। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, और अच्छी बात यह है कि बेदार हो रहे हैं लोग, और अब बच्चों के अदब को लेके संजीदा भी हो रहे हैं लोग, वालिदैन भी संजीदा हो रहे हैं, टीचर्स तो खैर पहले से ही थे, अदीब तो पहले से थे, अब सोसाइटी भी हो रही है और इसको बच्चों का खेल नहीं मान रही है, और ये मान के चल रही है कि अब ये मान के भी चल रही है कि किताबें जरूरी हैं। इरफान नारिक साहब पूछ रहे हैं कि बच्चों की जो किताबें हैं वो महंगी क्यों मिलती हैं, ये इतनी मतलब इन्हें और सस्ता होना चाहिए बच्चों की किताबों को, ताकि वालिदैन खरीदने में हिचक ना करें कि महंगी किताबें हैं, ये इनका सवाल ये बिल्कुल, है। ये बिल्कुल सही है कि बच्चों की किताबें जो हैं वो महंगी नहीं होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। ये जो है मेरी 128 सफात पर किताब है, ये मैं इसीलिए जो है 128 सफात पर किताब है और ये मुजल्लिद है, जिल्द की भी किताब है ये, तो ये किताब जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इसकी कीमत गो के कुछ लोगों ने कहा भी कि इसकी कीमत तो इस एतबार से बहुत कम है, लेकिन मैंने इसकी कीमत सिर्फ 60 रुपये रखी है। तो किताब बच्चों की किताबों की जो कीमतें हैं उस पर एक सवाल ज़रूर यह है कि बच्चों की किताबों की कीमतें जो है तो कम होनी चाहिए, और बच्चों की किताबों की कीमत कम कीमती वाले कीमती कीमत की किताबें भी मार्केट में हैं, ऐसा नहीं है, छोटी छोटी किताबें हैं और वो कम कीमत पर भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी आज 12 रुपये में और 15 रुपये में भी किताब जो है एक छोटी सी किताब दो या तीन कहानियों की किताबें जो है तो वो दस्तियाब हैं, मिल जाती हैं, अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है तो 15 रुपये और 20 रुपये वाली भी किताब खरीद सकता है और कहानियाँ पढ़ सकता है। मेरा भी मैंने भी ये सिलसिला शुरू किया है, ये 20-22 कहानियाँ इस किताब में हैं, अगर मैं तीन कहानियाँ निकालकर एक छोटा सी किताब अगर इसको बनाऊं और 10 रुपये उसकी कीमत रखूं तो ये भी मुमकिन हो सकता है, ये रास्ते भी निकल सकते हैं, और इस तरह की छोटी छोटी किताबें भी जो है बाज़ारों में हैं, बशर्त यही है कि हम बाज़ार में जाकर जो है वो किताबें जो है तो ज़रा सा तलाश करें और हम खरीदें। जी बिल्कुल सही है, किताबों को तलाश भी करना पड़ेगा, बुक फेयर वगैरह में जो बच्चों के स्टॉल्स होते हैं एक तो कुछ कम होते हैं, जब तक कि नेशनल बुक ट्रस्ट का फेयर ना हो तो बच्चों के बुक के स्टॉल्स कुछ कम भी होते हैं, उसमें बहुत खोजना पड़ता है आपको अपनी लैंग्वेज को और अपने हिसाब से, तो उतना पेशेंस लेके उतना वक्त लेके जाना पड़ेगा और फिर उसे खरीदना पड़ेगा। और इरफान साहब ने जो बात लिखी है, बच्चों की हर चीज़ कीमती मिलती है, इसका एक इसका जवाब एक तो मैं दे सकती हूँ, वो शायद इसलिए कि बच्चे बच्चों को ये बदकिस्मती की बात है कि बाजार में एक कस्टमर के तौर पे देखा जाता है, और बच्चे ही वो चीज़ हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को जिद करके खरीदवा सकते हैं, 5 रुपये की टॉफी भी अगर 50 रुपये की पैकेजिंग के साथ बाजार में है तो बच्चा दो बार रोएगा तो माँ बाप उसको खरीद देंगे महंगे से महंगा जूता, ड्रेस, खिलौने, क्योंकि बच्चे वहाँ पे बाजार का हिस्सा होते हैं, मुनाफे का हिस्सा होते हैं, लेकिन वालिदैन को और टीचर को इनके बीच से बच्चों के लिए जो सबसे बेहतरीन है उसे खोज कर देना पड़ेगा। बच्चा हमारा कोई प्रोडक्ट का कस्टमर नहीं है, बच्चा देश एक अगली नस्ल है, देश का किरदार है, और आपने कहा उस किरदार की तामीर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे साथ मसर्रत हसन साहब हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल करती हूँ प्रोग्राम में, और जनाब नुसरत शमसी साहब सुन रहे हैं मुझे रामपुर से, लगता है जी ये सुन रहे हैं मुझे अभी भी हैं शायद, इनको भी मैं सलाम करती हूँ, और आपका सलाम, सलाम अर्ज कर दीजिए। जी आप तक मैं उनका डॉक्टर अशफाक अहमद सर तक भी पहुँचाती हूँ आपका सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही नाजुक हमारा आज का टॉपिक था कि बच्चों के अदब पर ख़ास तौर पे क्या काम हो रहा है, तो एक ऐसा अदीब जो बच्चों की नब्ज पकड़ सकता है और बच्चों की मन को जहन को पढ़ सकता है, उसके मुताबिक उसके लिए जो सही है वो लिख सकता है, उससे बात करके कि मैं बच्चों के लिए बस एक लाइन जो है तो मैं एक बात जो है तो बस कहकर बात खत्म करूंगा कि मेरी अपनी जो ज़िंदगी है वो जो एक जहद मुसलसल और एक जो है तो कोशिशों का एक पूरा एक सफ़र रहा है और एक मुश्किलों से गुजर कर मैंने अपनी इस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं,
तो जो वालिदैन या जो बच्चे ये हुसूल तालीम में तंगदस्ती या माशी परेशानी को मानी समझते हैं और ये समझते हैं कि तालीम हासिल करना उन लोगों का काम है जिनके पास दौलत है, या तो ये ऐसा नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी से जो है तो ये जाहिर करना चाहता हूँ, या जो प्रैक्टिकली जो मेरी ज़िंदगी हुई है तो मैं ये बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये तो वो ज़माना था कि जब ना ही फलाही तंजीमें थी, ना गवर्नमेंट की तरफ से इतनी जो है तो कुछ सहूलतें थी। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सहूलतें आ गई हैं, पहली से लेकर 8वीं क्लास तक तो किताबें भी फ्री हैं, सारी चीज़ें हैं, कानून बन गया है उनके तालुब से कि आपको तालीम हासिल करना आपका हक है। और दूसरी चीज़ है कि ऐसी फलाही तंजीमें हैं जो फलाही तंजीमें जो है मदद करती हैं, सारी चीज़ें हैं, और आप भी अपने तौर पर खुद रास्ता निकाल सकते हैं। लिहाजा आप ये कहना कि भाई हमारे यहाँ कुछ ऐसे माशी तंगदस्ती की वजह से हम आगे तालीम नहीं हासिल करें, तो अब ये बेमानी हो गया है। और जो है तो बच्चों को जो है इससे थोड़ा सा ऊपर उठकर जो है सोचना चाहिए और तालीम हासिल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सर, चलते चलते एक पैगाम आपका इसी इसी बात के लिए, आप पैगाम टीचर्स और वालिदैन के लिए अगर कोई है, बच्चों को किताब मुहैया करवाएं और पढ़ने के लिए उनका इंटरेस्ट पैदा करें उनमें। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे कंपटीशन जो है तो वो स्कूलों में होते हैं, तो वो वालिदैन असातिज़ा जो है ख़ासतौर से और सदर मदरसिन जो है वो कोशिश ये करें कि बच्चों को जो है वो किताबें भी, कोई अगर वो गिफ्ट दे रहे हैं बच्चों को, जो टॉप कर रहे हैं बच्चे अपने इसमें और जो वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जो है तो वो टॉप कर रहे हैं, मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो वो जो गिफ्ट देना चाहते हैं वो दें, लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ बच्चों को किताबें भी गिफ्ट दें, ताकि वो बच्चे किताबें जो है घर लेकर जाएं और उसको तोहफा समझकर जो है तो उसको उसकी कद्र भी करें और उसको पढ़े भी। दूसरी चीज़ ये कि स्कूलों में कुछ अगर इस तरह के लोग आएँ जो रसाइल देना चाहते हैं या फरोख्त करना चाहते हैं कम कीमत पर, या किताबें जो है तो बच्चों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उनको स्कूलों में जो है किताब को पहले पढ़ लें, देख लें, समझ लें सदर मुदरिस या असातिज़ा, और उसके बाद में उसको उनको ज़रूर इजाज़त दें कि, या फिर वो खुद इस सिलसिले में कोशिश करें असातिज़ा कि वो बच्चों में वो किताब का तारुफ कराएं और उसकी कम से कम कीमत में वो बच्चे किताबें जो हैं बच्चों तक पहुँचाएं, क्योंकि वो एक ऐसा इज्तिमा है या वो एक ऐसी जगह है, प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पर बहुत सारे इलाकों के बहुत सारे बच्चे जो है वो मिल जाते हैं, और वहाँ पर अगर ये सिलसिला शुरू हुआ और असातिज़ा और सदर मुदरिस जो है ऐसी किताबों को जो है तो वो एंट्री अगर उनको मिलती है वहाँ पर और किताबें खुद पहले पढ़कर जो है और वाकई में ऐसा लगता है कि किताब बच्चों तक पहुँचना चाहिए, और उसके लिए वो थोड़ी सी कोशिश करे, ऐलान करे और तहरीक दिलाए बच्चों के भी ये किताब ज़रूर खरीदें, तो मैं नहीं समझता कि बच्चे जो है वो पीछे हटेंगे, ज़रूर किताबें खरीदेंगे। तो ये वालिदैन का जो है ज़रूरी, और वालिदैन को जो है ये चाहिए कि वो बच्चों तक जो है किताब पहुँचाने की कोशिश करें, और जो बच्चे जो है अपने घर आएँ अपने वालिदैन के साथ में तो जाते वक्त अगर उनको एक एक किताब अगर गिफ्ट में दें हम, तो ये एक सिलसिला एक ऐसा अच्छा है कि जो है वो जाकर पढ़ेंगे भी और पढ़ी हुई किताब को फिर वो दूसरों को गिफ्ट करेंगे और ये सिलसिला चलते रहेगा। तो अगर कभी वालिदैन अगर ये गिफ्ट करें जी, एक उम्र के बाद बच्चों को तोहफों में ड्रेस और खिलौने देने से अच्छा है कि उन्हें किताबें दी जाए। और एक और आपने बहुत अच्छी बात कही, कुछ स्कूल्स को मैं भी जानती हूँ जहाँ पे ये होता है ये काम, स्कूल के अंदर बुक फेयर लगाए जाए, स्कूल खास तौर पर बुक फेयर लगाए जाए, तो बच्चों को वो सामने किताबें दिखेंगी और 2-3 दिन का बुक फेयर होगा, तो बच्चे अपने हिसाब से किताबों को देख पाएंगे, घर जाके इतला कर पाएंगे, फिर घर वालों से कह के उनसे पैसे लाकर या उनको बुलाकर वो किताबें खरीद पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि किताबें लिखी जाएं और किताबें बच्चों तक पहुंचेंगी। हमारी स्कूल में फैट होता था, हमारे स्कूल में कोई खरी कमाई के लिए वो भी होता था, इस तरह के जो है तो प्रोग्राम होते थे और बच्चे जो है तो अपने हाथों से चीजें कुछ खाने की चीजें बनाकर जो है तो वहाँ पर फरोख्त करते थे, इस तरह से जो है तो हमारे यहाँ इस तरह का वो एक प्रोग्राम होता था। मैंने अपनी ही किताबों का एक स्टॉल लगाया था, मैंने ये महसूस, मैं तो पहले मायूस था कि ये बच्चे जो है तो गुलाब जामुन और बिरयानी और ये इस तरह के अलग अलग जो है तो डिश जो है तो इतने खूबसूरत अच्छे अच्छे डिश जो है छोड़कर किताब के हाँ करेंगे और मेरे स्टॉल पर कौन आएगा, लेकिन मैं ये महसूस करने के लिए और मैं ये चेक करने के लिए या ये देखने के लिए मैंने सिर्फ स्टॉल लगाया था कि देखे तो सही कि बच्चे कितने जो है तो यहाँ पर मेरे स्टॉल पर आते हैं और किताबें खरीदते हैं मेरी, तो मैंने ये महसूस किया, मुझे बड़ी हैरत हुई और खुशी भी हुई कि मेरी काफ़ी किताबें जो है बच्चों ने खरीदी और मैंने दूसरे राइटर्स की भी किताबें रखी थी, तो वो किताबें भी बच्चों ने बहुत खरीदी। ऐसा नहीं कि मैं एज ए वहाँ टीचर होने की वजह से मेरी किताबें, बल्कि दूसरे राइटर्स की भी किताबें उन्होंने खरीदी, तो बच्चे किताबें खरीदते हैं और खरीदना चाहते हैं, बस ये है कि वो जैसा कहा मैंने कि एक हाथ की ज़रूरत है, वो हाथ अगर कभी उनको मिल जाता है
कि अच्छे अच्छा मटेरियल, अच्छी किताबें और अच्छे जो है तो सोच पैदा करने वाली किताबें जो है वो एक समझदार और पढ़ा लिखा शख्स जो है तो वो देखकर जो है किताबें अगर उन तक पहुंचा देता है तो बच्चों के लिए किताबें बहुत मुफीद साबित हो सकती है उनके किरदार की तामीर के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक अहमद साहब, बहुत आपका जरूरी शुक्रिया। बहुत अहम बातचीत। जी एक बहुत बार फिर अहम मैं बातचीत तहरीके बकाए उर्दू का बेहद मशहूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौका दिया और ये गुफ्तगू का एक सिलसिला चल पड़ा और मैं मेरे ख्याल से जो है काफ़ी लोग मुस्तफिद भी हुए, लिहाजा आप तमाम का शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एक बात भी हम तहरीक की ओर से करते हैं और शुक्रिया। तहरीक बकाए उर्दू के नाजरीन से एक बार फिर वही गुजारिश कि कल शाम हम फिर अपने मेहमान के साथ आपके सामने होंगे, तो जुड़िएगा हमसे, सुनिएगा हमको। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने अपनों का। शबा खैर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।